Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is Alfred Tennyson, जो कि major Victorian poet थे. इनका lifespan 1809 to 1892 था, which is 83 years. 83 years की age में उनकी death हो गई थी. Alfred Tennyson is called the representative of Victorian age. Victorian age 1837 to 1901 थी and he is called the representative of Victorian age. Victorian society का जो भी social, political, economical and cultural aspect था, उन्हीं aspect को बहुत ही अच्छे से, बाखूबी से Alfred Tennyson ने अपनी poems में दर्शाया. So he is called the representative of Victorian age. Year 1850 is the most significant year in the life of Alfred Tennyson because इस year में वो poet laureate बने. इनसे पहले William Wordsworth थे और इनके बाद Alfred Austin थे. William Wordsworth 1843 से 1850 में बने. इनका tenure 7 years का था. Alfred Tennyson 1850 to 1892, जब तक कि उनकी death नहीं हो गई थी, वो तब तक poet laureate बने. और इनका tenure 42 years का था. एंड उनको सक्सीड किया Alfred Austin ने, जो कि 1896 से 1913 में poet laureate बने. इनका tenure 17 years का था. सो फ्रेंड्स, Tennyson एक ऐसे poet थे जिनका सबसे लंबा tenure था poet laureate में, पोएट लॉरेटशिप में. 42 ईयर्स का टेन्योर किसी भी पोएट का आज तक नहीं रहा पोएट लॉरेटशिप में. फ्रेंड्स, आपने देखा कि 1892 में Alfred Tennyson की डेथ हुई और 1892 तक वो पोएट लॉरेट बने. उसके बाद 1896 में Alfred Austin बने. 1892 से 1896 तक कोई भी पोएट लॉरेट नहीं बना. पोस्ट वैकेंट थी, फिर भी कोई पोएट लॉरेट नहीं बना इन ऑर्डर टू मार्क अ रिस्पेक्ट टू Alfred Tennyson. Alfred Tennyson को रिस्पेक्ट देने के लिए उन 4 सालों में कोई भी वैकेंसी पोएट लॉरेटशिप के लिए फिल नहीं हुई. Alfred Tennyson 41 ईयर्स के थे जब वो पोएट लॉरेट बने. एंड इस एज को बहुत ही छोटा एज कंसिडर किया जा रहा था कि इतनी बड़ी उपाधि लेने के लिए पोएट लॉरेटशिप के लिए. सो सैमुअल रॉजर्स को भी पोएट लॉरेटशिप का की पोस्ट को ऑफर किया गया, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दी और उन्होंने अपनी ओल्ड एज, जो कि वो अब 87 इयर्स के हो गए थे, वो रीजन दिया. सो सैमुअल रॉजर्स ने ये डिक्लाइन कर दिया और उसके बाद Tennyson पोएट लॉरेट बने. एलिजाबेथ बैरेट बाउनिंग एंड ले हंट को भी कंसिडर किया गया, बट फाइनली इवेंचुअली Tennyson पोएट लॉरेट बने 1850 में. एंड 1892 जब तक उनकी डेथ नहीं हुई वो बने रहे और उनका टेन्योर 42 ईयर्स का था, जो कि सबसे लंबा टेन्योर है किसी भी पोएट के लिए पोएट लॉरेटशिप के लिए. सो फ्रेंड्स, Tennyson वॉज बॉर्न इन सॉमर्स बाय इन लिंकनशायर इंग्लैंड इन 1809. ही वॉज वन ऑफ द 12 चिल्ड्रन एंड उनके 2 ब्रदर्स थे जो कि पोएटिकली इंक्लाइंड थे और उन्होंने अपने 2 ब्रदर्स के साथ एक पोएट्री पब्लिश की जिसका नाम था पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स इन 1827. 1827 में अपने ब्रदर्स के साथ उन्होंने एक पोएट्री पब्लिश की, पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स. तो ऑलमोस्ट 17 इयर्स की एज में उन्होंने पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स पब्लिश कराई, बट ये उनका सोलो वर्क नहीं था, उनका ये ब्रदर्स के साथ ये पब्लिकेशन थी. 1827 में उन्होंने ये वर्क पब्लिश किया एंड 1828 में वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने कदम रखा. ही एंटर्ड इन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और वहां पर ही उनकी फ्रेंडशिप हुई आर्थर हेनरी हेलम से. आर्थर हेनरी हेलम से उनकी फ्रेंडशिप हुई 1828 में जब वो यूनिवर्सिटी में आए.
एंड 1829 में जब वो यूनिवर्सिटी में थे, टेनिसन की जो पोएटिकल एबिलिटी थी उसको रिकग्नाइज किया गया एंड ही वॉज अवॉर्डेड चांसलर्स गोल्ड मेडल, जो कि बहुत ही बड़ा एक अवार्ड था, प्रेस्टीजियस अवार्ड था. उनकी एक पोयम, उन्होंने पोयम लिखी थी टिम्बुकटू, टिम्बुकटू पोयम के लिए उनको चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला. 1830 में उनका फर्स्ट पब्लिकेशन आया, पोएम्स चीफली लिरिकल. इस चांसलर गोल्ड मेडल ने उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, जिसकी वजह से उन्होंने उसके नेक्स्ट ईयर 1830 में ही फर्स्ट पब्लिकेशन पोएम्स चीफली लिरिकल को पब्लिश किया, जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स जैसे क्लेरिबल, मरियाना, जो सेलिब्रेटेड पोएम्स हैं, ये इन्होंने लिखी. एंड ही गॉट अटेंशन फ्रॉम वेरी वेल नोन पोएट्स, वेल नोन राइटर्स ऑफ दैट टाइम, इंक्लूडिंग एसटी कॉलरिज. इनके इस पब्लिकेशन से उन एसटी कॉलरिज ने भी उनको पहचाना. बट 1831 में उनके फादर की डेथ हुई. 1831 में ही उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा विदाउट टेकिंग एनी डिग्री. सो 1831 में उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया डिग्री लिए बिना. एंड 1831 में ही आर्थर हेलम, जो कि उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे यूनिवर्सिटी में, वो उनकी एंगेजमेंट हुई टेनिसन की सिस्टर के साथ. नाउ 1833 में उनका सेकेंड पब्लिकेशन आया. फर्स्ट पब्लिकेशन 1830 में, उसके तीन साल बाद 1833 में उनका सेकेंड पब्लिकेशन आया, विच इज पोएम्स बाय एल्फ्रेड टेनिसन, जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स थी, जैसे लोटस ईटर, द लेडी ऑफ शैलट, जो कि एक लिरिकल बैलेट है, बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स थी. बट इन पोएम्स को, इस पब्लिकेशन को हार्श क्रिटिसिज्म और अनफेवरेबल रिव्यूज का सामना करना पड़ा. जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इनकी पोएम्स को बिल्कुल ही बेकार रिव्यू दिया, ये बहुत ही गंदा क्रिटिसिज्म आया. और 1833 में ही उनका जो फ्रेंड थे आर्थर हेलम, जो जिन्होंने उनकी सिस्टर से एंगेजमेंट की थी, उनकी डेथ हो जाती है. सो 1833 वाज द पीरियड ऑफ ग्लूम एंड सोरो फॉर एल्फ्रेड टेनिसन, क्योंकि 1833 में उनके बेस्ट फ्रेंड आर्थर हेलम की डेथ हुई. 1833 में उनका जो सेकेंड पब्लिकेशन, जो उनका प्रोफेशनल करियर था, वो भी एक तरह से डूबा था. क्यों? क्योंकि उनको हार्श क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा. उनको इतना ज़्यादा सेटबैक लगा कि उन्होंने सोचा कि अब मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कोई भी पोम या कोई भी पोएम पब्लिश नहीं करवाऊंगा. तो 10 साल तक उन्होंने कोई भी पोएम पब्लिश नहीं की, वो ग्लूम डिस्पेयर में, सौरों में ही जीते रहे. बट इस पीरियड में उन्होंने अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी सारी पोएम्स, पर्सनल रिलीफ के लिए काफ़ी सारी पोएम्स लिखी, बट उन्होंने वो पब्लिश नहीं करवाई. फॉर एग्जाम्पल 1835 में उन्होंने एक पोएम कंप्लीट की थी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो उनकी फर्स्ट एलिगी थी. और इन्होंने ये ब्रेक 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 एलिगी लिखी थी अपने फ्रेंड आर्थर हेलम पे. सो फ्रेंड्स, 1833 से 1842 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक उनकी कोई भी पोएम पब्लिश नहीं हुई. बट 1842 में उनका थर्ड पब्लिकेशन आया, पोएम्स. सो फर्स्ट पब्लिकेशन आया 1830 में, सेकेंड पब्लिकेशन आया 1833 में, एंड थर्ड पब्लिकेशन आया उनका 1842 में पोएम्स के नाम पर, जिन्होंने अपनी पुरानी पोएम ऐड की और कुछ पुरानी पोएम को थोड़ा सा चेंज किया. तो थर्ड पब्लिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम्स थी, जैसे लॉक्सले हॉल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग थी, द लेडी ऑफ शैलोट एंड डोरा. इस तरह की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम्स आई 1842 में. तो इसके बारे में, 1842 में जो पोएम्स पब्लिश हुई थी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं. बाकी डिटेल में हम बाद में वीडियो बनाऊंगी इन सब की. तो जैसे लेडी ऑफ शैलोट, जो लेडी ऑफ शैलोट थी एक लिरिकल बैलेट थी, एक ये डांस सॉन्ग था.
इसमें एक यंग वुमन होती है जो कि इम्प्रिजेंट होती है एक आइलैंड में, शैलोट आइलैंड में वो इम्प्रिजेंट होती है, बंदी होती है नियर कैमलॉट रिवर। बट उसको एक स्ट्राप मिलता है, उसको एक कर्स मिला हुआ होता है कि वो रिवर कैमलॉट को डायरेक्टली नहीं देख सकती। सो रिवर कैमलॉट को देखने के लिए वो एक मिरर का यूज करती थी जिससे वो रिवर को या आसपास के सीन को वो देखती थी। और अगर उसने रिवर कैमलॉट को देख ले, उसको एक श्राप था कि अगर वो उसको डायरेक्टली देख ले तो उसको उसके साथ कुछ अनहोनी होगी। सो उसको ये वाला श्राप मिला हुआ था। और इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लेडी इम्प्रिजनमेंट में होती है और कैसे वो उससे बाहर निकलती है, भागती है, और कैसे इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द लेडी ऑफ शैलोट। नेक्स्ट इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इनकी फर्स्ट एलिगी थी जिसमें उन्होंने आर्थर हेनरी हेलम जो उनका कि उनका बेस्ट फ्रेंड था उनकी डेथ के बारे में बताया है, कैसे वो फीलिंग ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ सॉरो उनके दिलो दिमाग में छाई हुई थी उसको उन्होंने दर्शाया है इस ब्रेक 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 में। नेक्स्ट इज द लोटस ईटर। द लोटस ईटर्स में दिस इज द इंस्पायर्ड बाय द ट्रिप टू स्पेन विद आर्थर हेलम। जब वो यूनिवर्सिटी में थे तो वो आर्थर हेनरी हेलम के साथ स्पेन में गए थे और उन्होंने पायरेनीस माउंटेन्स को भी विजिट किया था, तो उस विजिट को उन्होंने दर्शाया है। और ये होमर की ओडिसी पर ये लोटस ईटर बेस्ड है। नेक्स्ट इज लॉक्सले हॉल। लॉक्सले हॉल इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का भी यूज हुआ है और इट नरेट्स अ इमोशन ऑफ ए रिजेक्टेड स्यूटर हु कम टू हिज चाइल्डहुड होम लॉक्सले हॉल। लॉक्सले हॉल एक इमेजिनरी चाइल्डहुड होम है जिसमें एक नरेटर आता है और वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल करता है। चाइल्डहुड मेमोरीज में अपनी बिलवेड को याद करता है और याद करता है कि कैसे उन दोनों में प्यार था बट उनके फादर की वजह से कैसे उनकी मैरिज नहीं हो पाई, उनका यूनियन नहीं हो पाया और कैसे उसकी शादी दूसरी जगह हो गई। अब वो याद करता है कि अब उसकी शादी से उसके बच्चे होंगे। सो डैट इस तरह का इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उनके दिमाग में चलता है। नेक्स्ट इज यूलिसिस। यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट्स रिटन इन ब्लैंक वर्स। यूलिसिस पोयम तब लिखी थी जब वो ओल्ड एज में पहुंच गए थे। एंड यूलिसिस पोयम यूलिसिस पे बेस्ड है, सॉरी यूलिसिस पोयम यूलिसिस पे बेस्ड है जब वो ओल्ड एज में था यूलिसिस। एंड उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब अपनी वाइफ के साथ घर में बैठने से अच्छा है कि वो कहीं और ज्यादा एक्सप्लोर करें। तो वो यर्न कर रहे हैं, वो इच्छा कर रहे हैं कि अब वो और एक्सप्लोर करना चाहते हैं जबकि उनकी ओल्ड एज हो चुकी है, जबकि वो अपने वाइफ पेनेलोप और उनके बेटे टेलेमैकस के साथ उनका यूनियन हो गया है बट फिर भी वो घर में नहीं बैठना चाह रहे, वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ही कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, टू स्ट्राइव टू स्टीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। नेक्स्ट पोयम है द प्रिंसेस ऑफ मेटले जो कि 1847 में लिखी गई थी एंड बहुत ही लंबी पोयम है, 3000 लाइंस की है। इसमें एक हीरोइक प्रिंसेस होती है जो कि मेंस वर्ल्ड को फोरवियर करती है, मेंस वर्ल्ड को डिस्कार्ड करती है और एक अपनी वुमेन की यूनिवर्सिटी बनाती है जिसमें मेन को अलाउड नहीं है उसमें एंटर करना। बट एक प्रिंस होता है जो उस यूनिवर्सिटी में एंटर करता है अपने आप को लेडी का रूप देके। फ्रेंड्स और उसके दो फ्रेंड्स उसमें एंटर कर जाते हैं और कैसे वो उस प्रिंस को पहचान लेते हैं और कैसे वो फिर प्रिंस को निकाल देते हैं और फिर इवेंचुअली जो प्रिंस है वो उस प्रिंसेस का हाथ लेने के लिए, प्रिंसेस से शादी करने के लिए कैसे वो लड़ाई लड़ता है और इवेंचुअली उस प्रिंसेस की शादी उस प्रिंस से हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसेस ऑफ मेटले विच वॉज published in 1847. The Princess एक प्ले भी है जो कि W.S. Gilbert ने 1870 में लिखा था एंड इट इज बेस्ड ऑन
Tennyson the Princess, और प्रिंसेस एडा और कैसल एडमंड भी एक कॉमिक ओपेरा है जिसमें म्यूजिक दिया है आर्थर सुलिवन ने और टेक्स्ट W.S. गिलबर्ट का ही यूज हुआ है जो कि 1884 में सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस हुई थी। 1849 में इन मेमोरियम A.H.H. आर्थर हेनरी हेलम इन्होंने पब्लिश करवाई थी। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1849 बट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850 में वो पब्लिश हुई थी। कम्प्लीट तो 1849 में हुई थी और 1850 में उन्होंने पब्लिश की थी जस्ट बिफोर हिज अपॉइंटमेंट टू पोएट लॉरेट। अभी वो पोएट लॉरेट बनने ही वाले थे, उससे पहले उनकी बुक इनकी पोयम इन मेमोरियम A.H.H. पब्लिश हुई। सो इट इज बेसिकली द 16 ईयर्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। 1833 में A.H.H. आर्थर हेनरी हेलम की डेथ होती है और 1849 में इन्होंने ये वर्क कंप्लीट किया है। सो 16 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क था इनका एंड इट वॉज टेनिसन मास्टरपीस। इसमें अपना प्रोफाउंड ग्रीफ उन्होंने दिखाया है, कैसे उनको दुख लगा था जब उनके फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ हुई थी, उसको दर्शाया गया। सो इट इज मास्टरपीस एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोएम्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की फेवरेट पोएम्स भी थी क्योंकि उनके हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट की जब वो डेथ हुई थी तो वो इन मेमोरियम A.H.H. को पढ़ती थी जो कि उनको बहुत ही काम डाउन प्लीज और सूद करती थी। सो क्वीन विक्टोरिया की भी वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स थी इन मेमोरियम, जब उनके दुख में वो अपने दुख में भी पढ़ती थी जिससे उनको बहुत ही ज्यादा शांति सी फील होती थी। नाउ 1850 मैंने आपको बताया है कि 1850 वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ईयर इन द लाइफ ऑफ टेनिसन क्योंकि वो पोएट लॉरेट बने थे और 1850 में ही उनकी शादी हुई थी एमिली सेलवुड से जिसको वो बचपन से प्यार करते थे बट उनसे शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक थे, पॉवर्टी ने उनको घेरा हुआ था। बट 1850 में क्योंकि वो पोएट लॉरेट बन गए थे, अब वो लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे तो उनकी शादी एमिली सेलवुड से होती है। पोएट लॉरेट बनने के बाद उनकी काफी सारी अच्छी अच्छी पोएम्स आई, लाइक 1855 में द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड जिसमें बैटल ड्यूरिंग क्रिमियन वॉर को दिखाया गया है, उसमें वो सेलिब्रेट करते हैं पैट्रियटिज्म ऑफ मेनी सोल्जर्स हु डाइड इन 1854 कॉन्फ्लिक्ट। सो ब्रिटेन के इंग्लैंड के सोल्जर्स की ब्रेवरी और पैट्रियटिज्म को इसमें दिखाया गया है। इट इज अ नैरेटिव पोएम बट इट वॉज बैंड फॉर 8.5 ईयर्स क्योंकि कहा जाता था कि ये सोसाइटी में डिसग्रेस ला रहा है, बट आफ्टर 8.5 ईयर्स में इसको पढ़ी गई जो कि बहुत ही अच्छी बुक है और अच्छी पोयम है और इसको सराहा गया काफी। मॉड 1855 जो कि एक मोनोड्रामा था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो पहली लाइन है कम इनटू द गार्डन मॉड जो कि यंग लवर्स की ये फेवरेट लाइन है, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट था वो मॉड की वेट कर रहा होता है, अपनी लवर होती है मॉड उसका वेट कर रहा होता है गार्डन में क्योंकि प्रोटैगनिस्ट था वो तो मॉड को लव करता था बट जो मॉड का ब्रदर था वो प्रोटैगनिस्ट से नफरत करता था, वो उसको पसंद नहीं करता था, इनफैक्ट कोलियर को वो पसंद करता था। तो मॉड के ब्रदर ने एक बार बॉल अरेंज किया, एक पार्टी अरेंज की जिसके अंदर कोलियर को बुलाया, इनवाइट किया, जबकि प्रोटैगनिस्ट को बाहर भेज दिया था। सो ये वही वाला टाइम है जब पार्टी चल रही थी और वो प्रोटैगनिस्ट गार्डन में मॉड की वेट कर रहा होता है और वो बोलता है कम इनटू द गार्डन मॉड। तब मॉड आती है अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉड आती है गार्डन में आती है, अचानक से मॉड का ब्रदर भी आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है प्रोटैगनिस्ट और ब्रदर के बीच में और इसमें मॉड का ब्रदर की डेथ हो जाती है और वो प्रोटैगनिस्ट है वो भाग जाता है फ्रांस में और उसको खबर मिलती है कि मॉड की भी डेथ हो गई है।
जो मॉड की डेथ होती है तो उसमें बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो फिर ग्लूम और सोरो में भर जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, बट लेटर वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है और क्रिमियन वॉर में सोल्जर बन जाता है. सो बेसिकली दिस इज द स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज इन द प्रोटेगनिस्ट, इसमें ये दिखा रखा है. उन्होंने और भी कुछ पोएम्स लिखी, लाइक ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ओड संग एट ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन. उन्होंने एक आइडियल्स ऑफ द किंग लिखी 1859 से 1885 में. इट इज द साइकिल ऑफ 12 नरेटिव पोएम्स. इसमें लेजेंड्स ऑफ किंग आर्थर, हिज नाइट्स के बारे में बताया गया है, ब्लैंक वर्स में है. इट इज बेस्ड ऑन द थॉमस मेलरिस ले मॉटे डी आर्थर. एक्चुअली टेनिसन के दिमाग में एक एपिक आइडिया स्टक हुआ 1856 में, और उन्होंने सोचा कि एक एपिक लिखी जाए. तो उन्होंने आर्थर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट 12 नरेटिव पोएम्स सिलेक्ट की, उसको गैदर किया, उसको अरेंज किया, बट अल्टीमेटली वो एक एपिक तो नहीं बनी, बट सीरीज ऑफ सिंगल पोएम लूजली कनेक्टेड सिंगल पोएम्स बनी. सो दिस इज अबाउट आइडल्स ऑफ किंग, जब उनके मन में आया कि वो एपिक लिखें. और 12 पोएम्स हैं जिसमें जो लास्ट पोएम है वो है मोटे डी आर्थर, लास्ट पोएम है. क्रॉसिंग द बार उन्होंने 1889 में लिखी, जब वो 81 ईयर्स की एज में थे. 83 ईयर्स में तो उनकी डेथ हो गई थी, 80 और 81 ईयर्स की एज में थे तब उन्होंने ये क्रॉसिंग द बार लिखी. और क्योंकि अब वो ओल्ड एज में थे, वो चाह रहे थे कि उनकी डेथ एक पीसफुल तरीके से हो, तो उन्होंने ये लिखी पोएम. और इसमें इट इज़ अबाउट क्रॉसिंग फ्रॉम लाइफ टू डेथ. एक जो सैंड बार है वो एक मेटाफर बना रखा है, मेटाफर ऑफ बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड डेथ. 1892 में एट द एज ऑफ 83 ईयर्स उनकी डेथ हुई. एंड डे बिफोर डेथ उन्होंने अपने सन से शेक्सपियर की तीन ड्रामास मंगवाए, तीन प्लेज मंगवाए, जो कि लियर, सिम्बेलिन एंड ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा थे. और पीसफुली उनकी डेथ हुई. जब वो उनकी डेथ हुई तो उनके सामने ही सिम्बेलिन पड़ी हुई थी, सिम्बेलिन रखी हुई थी, एंड उनको बरी किया गया वेस्टमिनिस्टर एबे में, और साथ में उनके साथ सिम्बेलिन को भी उनके साथ रखा गया. सो दिस इज ऑल अबाउट एल्फ्रेड टेनिसन. एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज टू सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड प्रेस द लाइक बटन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.